नमस्कार, lelunam.com में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। अब भिखारी भी हाईटेक हो गए हैं, QR कोड की मदद से भीख मांग रहे हैं। अगर आपके पास छुट्टे नहीं भी हैं तो आप उनका QR कोड स्कैन करके उन्हें रकम दे सकते हैं। इससे आपका ये बहाना खत्म हो गया है कि छुट्टे पैसे नहीं हैं। खैर, किस देश की है ये बात, आइए जानते हैं। चीन में भिखारी भी अब डिजिटल हो चुके हैं। वे भीख मांगने के लिए QR कोड और ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनके हफ्ते की कमाई 45,000 रुपए तक हो रही है। वजह यह है कि यहाँ की कई ई वॉलेट कंपनियों ने भिखारियों को QR कोड उपलब्ध करवा दिया है। QR कोड के स्कैन करते ही भीख देने वालों का डेटा इन कंपनियों के पास पहुंच जाता है। ये कंपनियां डेटा को बेचकर खासी रकम जुटा रही हैं। चीन में अलीबाबा की अलीपे और वीचैट बड़ी ई वॉलेट कंपनियों में शामिल है। चीन के पर्यटन स्थलों और सबवे स्टेशनों के आसपास ऐसे भिखारी देखे जा सकते हैं जिनके पास डिजिटल पेमेंट या QR कोड सिस्टम मौजूद है। दरअसल चीन में भिखारियों के डिजिटल होने की बड़ी वजह यह है कि उन्हें आसानी से भीख मिल जाए और कोई छुट्टे पैसे नहीं होने का बहाना भी ना बना पाए। यानी जिनके पास छुट्टे पैसे नहीं है वे भी QR कोड को स्कैन कर भिखारी की मदद कर सकते हैं। ये QR का प्रिंटआउट दिखाकर लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे अलीबाबा ग्रुप के अलीपे, टेंसेंट के वीचैट वॉलेट के माध्यम से इन कोड को स्कैन कर उन्हें भीख दे दें। स्थानीय चैनल के अनुसार इस व्यवस्था में बाजार जुड़ गया है। भिखारी को अगर कोई कुछ न दे लेकिन सिर्फ स्पॉन्सर्ड QR कोड को स्कैन कर दे तो भी उसे कुछ न कुछ रकम मिल जाती है। चीन में भिखारियों को अपना खाता संचालित करने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। QR कोड से मिली रकम सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में चली जाती है। इसी QR शीट के जरिए वह किराना दुकान या अन्य स्टोर से सामान खरीद सकता है। इसमें खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए बैंक खाते की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।